डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये देखने वाले हैं यूजेज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है और इसका फॉर्मूला होता है CaOH की ट्वाइस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की ट्वाइस? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड स्लेक्ड लाइम। पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। स्लेक्ड लाइम कहते हैं भुजे हुए चूने को। ओके, इट इज यूज। अब जो हम इसके डिफरेंट यूजेस देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? बच्चों, आपने अक्सर सुना होगा कि समटाइम्स हमारे कपड़ों पे स्टेन्स वगैरह लग जाते हैं, दाग वगैरह, तो उन स्टेन्स वगैरह को रिमूव करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। अब उस ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है। अब ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्रिपेयर होता है? व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड ओवर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कि जब क्लोरीन गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास किया जाता है ना स्लेक्ड लाइम में से, तो उससे ब्लीचिंग पाउडर बनता है। बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। इट इज यूज एज अ ड्रेसिंग मटीरियल फॉर एसिड बर्न्स। बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एज अ ड्रेसिंग मटीरियल यूज करते हैं। किसके लिए? बोला एसिड बर्न्स के लिए। अब बच्चों, अगर हमारी बॉडी के ऊपर एसिड गिर जाए ना, तो उससे हमारी स्किन जो है ना वो जल जाती है, बर्न हो जाती है, क्लियर? तो फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए इसको मरहम के तौर पे यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। इट इज यूज इन मेकिंग लाइम सल्फर स्प्रे टू बी यूज एज अ फंजीसाइड। कि इसको लाइम सल्फर स्प्रे बनाने के लिए यूज किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। अब लाइम सल्फर स्प्रे कैसे की बनती है? जब सल्फर और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो मिक्सर होता है ना, उसको लाइम सल्फर कहते हैं, क्लियर? अब वो वाली जो स्प्रे है ना बच्चों, वो एज अ फंजीसाइड यूज होती है। फंजीसाइड कहते हैं फंगस किलिंग केमिकल्स को, कि ऐसे केमिकल जो कि फंगस को किल करें, इन केमिकल्स को हम फंजीसाइड्स कहते हैं। इट इज यूज्ड एज अ वाटर सॉफ्टनर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर सॉफ्टनिंग के लिए भी यूज किया जाता है। अब वाटर सॉफ्टनिंग क्या होती है? बच्चों, जो वाटर है ना वो दो तरह का होता है, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। अब हार्ड वाटर ऐसा वाटर कहते हैं जिसमें सोप की जो है ना वो गुड लादर प्रोड्यूस नहीं होती। लादर कहते हैं जाक को, मतलब ऐसा वाटर जिसमें सोप की जो है ना वो अच्छी गुड लादर प्रोड्यूस ना हो, ऐसे वाटर को हम हार्ड वाटर कहते हैं। और बच्चों, जो हार्ड वाटर होता है ना, उसके डिफरेंट डिसएडवांटेजेस हैं अगर आप लोग उसको यूज करते हैं। नंबर फर्स्ट तो ये, अगर आप हार्ड वाटर को ड्रिंक करें ना, तो इससे आपको स्टमक डिसऑर्डर हो सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है ना, हार्ड वाटर कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इन वॉशिंग पर्पज। अगर आप ऐसे वाटर में जो है ना वो कपड़ों वगैरह को धो रहे हैं जो कि हार्ड है, तो उससे जो सोप है ना वो लार्ज अमाउंट में कंज्यूम होगा, जो कि एक तरह का इकोनॉमिकल लॉस है। और उसके बाद जो है ना, जो हार्ड वाटर है ना, इट इज अनफिट फॉर यूज इन स्टीम इंजन। इंडस्ट्री में जो है ना, ये इंजन के लिए जो है ना अनफिट होता है। तो फिर क्या किया जाता है, जो हार्ड वाटर ना उसको सॉफ्ट करते हैं। तो आप उसको सॉफ्ट कैसे करते हैं? बाय यूजिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बट ये एक मेथड है, क्लार्क मेथड, जिसको हम हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। लास्ट पे लिखा हुआ है, इट इज यूज फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी प्रेजेंट इन सॉइल। कि सॉइल के अंदर जो एसिडिटी होती है ना, उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है। तो बच्चों, आज हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के यूसेज देखे हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला है वो है CaOH की ट्वाइस, और उसको स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है एज अ ड्रेसिंग मटीरियल फॉर एसिड बर्न्स। एसिड बर्न्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। लाइम सल्फर स्प्रे के लिए यूज किया जाता है, जो कि फर्दर यूज होता है एज अ फंजीसाइड। और इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर सॉफ्टनिंग के लिए भी यूज करते हैं। और जो सॉइल की एसिडिटी है ना, उस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है।